प्यारे किसान भाइयों, आज आप सभी कृषक बंधुओं का फार्म सिग्मा में हार्दिक स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। हम आज आपको वीडियो के माध्यम से एक बहुत ही अच्छी व्यावसायिक फसल अफीम के बारे में आपको जानकारी देंगे। मैं सभी किसान भाइयों से निवेदन करना चाहूंगा कि अगर किसी ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो सब्सक्राइब इसको कर लें और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी दबाने का कष्ट करें। आज हम जो अफीम फसल की आपको जानकारी देंगे वो सामान्य जानकारी देंगे, जल प्रबंधन, सूक्ष्म सिंचाई की जानकारी देंगे, खरपतवार प्रबंधन, कीट एवं व्याधि प्रबंधन, पोषण प्रबंधन एवं आर्थिक समीक्षा। अब जो अफीम है वो मध्य प्रदेश में सिर्फ और सिर्फ मंदसौर, नीमच और राजस्थान की जो है कोटा, झालावाड़, चित्तौड़, भीलवाड़ा, प्रतापगढ़, उत्तर प्रदेश के लखनऊ एवं बाराबंकी में भी होती है, लेकिन मध्य प्रदेश में जो मंदसौर है वो पूरे भारतवर्ष में अफीम का जहां तक रकबा है, उत्पादन है, उसके में अग्रणी है। मध्य प्रदेश में अफीम की खेती 1700 एकड़ में होती है और मंदसौर जिले में लगभग 970 एकड़ में इसकी खेती की जाती है। अफीम के अंदर में 12% जो है तो मार्फीन होता है, जिसको जो प्रोसेस करके इसको हेरोइन नामक एक मादक द्रव्य जो होता है, ड्रग जो इसे तैयार किया जाता है। अफीम का जो लेटेक्स होता है दूध निकालने के लिए, उसे कच्चे अपक फल में एक चीरा लगाया जाता है जिससे इसका दूध निकलता है, जो निकलकर सूख जाता है, यही दूध सूख करके गाढ़ा होने पर अफीम कहलाता है। मध्य प्रदेश में अफीम का जो औसतन उत्पादन है प्रति 5 आरी जो अफीम का जो दूध है वो होता है निकलता है 4 किलो, इसमें जो बीज निकलता है जिसको हम खसखस बोलते हैं 50 किलो, और जो डोड़ा चूरा होता है वो करीब 30 किलोग्राम प्रति 5 आरी में इसका उत्पादन औसतन है। बात करते हैं हम लोग निम्न जानकारी, अच्छे जल निकास वाली कार्बनिक पदार्थ युक्त चिकनी दोमट मिट्टी एवं मध्यम गहरी काली मिट्टी भी अफीम के लिए काफी उपयुक्त मानी जाती है। अफीम का जो पीएच मान है वो 6 से 7 है। इसकी जो किस्में हैं वो होती हैं आपके जवाहर अफीम 16, 539 विलियम्स, थोलिया आईसी 42, एमओपी एवं 540 एमओपी डैश 540, ये प्रजातियां हैं। फसल अवधि इसकी 4 से 5 महीने की होती है। इसमें जो बीज दर है वो 2 से 2.5 ग्राम जो थे कतार से कतार, और छिड़कवा अवधि से करेंगे तो करीब 3.2 किलो बीज इसका लग जाता है। 5 आरी में जो है इसका जो बीज लगता है वो 600 से 700 ग्राम प्रति 5 आरी में इसका बीज दर आता है। बात करते हैं अफीम के लिए जलवायु तापमान जो होती है वो अंकुरण के समय 20 डिग्री और पौध वृद्धि के समय इसका जो तापमान होना चाहिए 20 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड। बात करते हैं हम लोग जो बुआई का समय है, जो अफीम है वो मंदसौर और नीमच जिले के अंदर जो हमारे किसान भाई हैं वो इसकी खेती अक्टूबर माह में इनकी जो आरियां बढ़ती है इसके बाद में ये नवंबर तक 10 से 15 नवंबर तक इसकी बोनी पूर्ण रूप से कर लेते हैं। बीज उपचार करते हैं, इसका बीज उपचार बिल्कुल करना चाहिए क्योंकि बीज जनित रोग भी इसमें आते हैं, कार्बनडाइजिंग मैनकोजेब, ट्राइकोडर्मा विरिडी, सिरोमोना, जहां तक हो सके इसका जो है जैविक उपचारण बीज उपचारण करना चाहिए, थायरम कैप्टाउन से करना चाहिए। उसके बाद में इसकी फसल का अफीम फसल का उत्पादन करना है तो जब ये अपनी खरीफ की फसल जब कट जाती है तो उसके अवशेष खेत से बाहर निकाल दें, इसकी गहरी जुताई करें, फेंसिंग कर दें, और अंतिम जुताई करने से पहले इसकी मिट्टी परीक्षण इसका जरूर कराएं, और इसमें जो गोबर की खाद है उसको जो है उसमें ट्राइकोडर्मा सीडोमोनास मिला करके माध्यम कल्चर मिला के उसको पूरी एक एक शुद्ध मैन्योर जो होती है वो उसकी खाद जो है वो तैयार हो जाती है। अच्छी प्रजाति का हमको इसमें चुनाव करना है, जो प्रजातियां आपको बताई गई हैं उन्हीं को आपको बुआई के लिए उपयोग करना है। बीज को जो है उपचारित करके ही बोएं। वैसे तो ऊंची उठाई उठी हुई क्यारी पद्धति आने वाले समय में इसको अपनाना शुरू करेंगे। पानी का प्रबंधन टपक या फव्वारा सिंचाई से, वैसे तो फव्वारा सिंचाई जो है वो अभी थोड़ी थोड़ी फव्वारा सिंचाई किसान भाई लगाने लग गए हैं। जल विलय खाद जो है उसका जो परणी छिड़काव है, या अगर हम फव्वारा सिंचाई लगा रहे हैं तो उसके द्वारा भी हम ये खाद दे सकते हैं। जैविक एवं रासायनिक जो कीटनाशक है, जैविक खाद, जैविक कीटनाशकों का 75% उपयोग करें, 25% जो है वो रासायनिक कीटनाशक या रासायनिक खाद आवश्यकता पड़ने पर उपयोग करें। समन्वित कीट व्याधि प्रबंधन अपनाएं और इससे हमारा जो आर्थिक नुकसान वो कम से कम होगा और हमारी आय अधिक से अधिक अर्जित होगी। अफीम फसल की जो पौध रोपणी है वो 30 सेंटीमीटर होती है कतार से कतार, पौधे से पौधे की दूरी 8 से 10, बुआई की गहराई जो ज्यादा नहीं करना है 0.5 से 1 सेंटीमीटर।
जल प्रबंधन जो है उसकी तुरंत सिंचाई हमको कर देना चाहिए, या पलेवा दे दें हम पहले, पहले पलेवा देने के बाद में फिर हम इसकी बुआई करें कि उस समय जो पर्याप्त नमी जमीन में होना चाहिए। अंकुरित जब हो जाए तो फसल 15 अंतराल तक इसको सिंचाई करते रहना चाहिए। अफीम की फसल में 3 या 7 चीजें बची हुई खाद उसको बाद में दे सकते हैं, और लेकिन जो फास्फोरस और पोटाश युक्त खाद है वो शुरू में पूरी मात्रा डाल देते हैं। स्प्लिटिंग जो करेंगे वो सिर्फ हम नाइट्रोजन की करेंगे, क्योंकि नाइट्रोजन का फिक्सेशन नहीं होता है, इसलिए इसकी स्प्लिटिंग हम कर सकते हैं। जो उसको हम बोलते हैं कि जो ब्लैंकेट एप्लीकेशन होता है उसका वो हम कर सकते हैं, छिड़कवा से कर सकते हैं। और डोंडा जो है विकास और परिपक्व होने पर नमी के अनुसार इसकी सिंचाई करते रहना। जब हम फसल में चीरा लगाने से 7 दिन पहले जो है उसको सिंचाई कर देना चाहिए, जिससे चीरा लगाने में कोई भी तकलीफ नहीं आती है। खरपतवार प्रबंधन का जहां तक सवाल है, पारंपरिक यांत्रिक रासायनिक विधि और लगाने से पहले फ्लूक्लोरोलिन और अफीम लगाने के बाद अंकुरण करने से पहले पेंडेमिथालिन का स्प्रे करें। जहां तक दीमक इसमें आती है, इसके नीम खली कार्बोफ्लोरॉन क्लोरोपिरिफास क्लोथिएंडीन जो है उसका उपयोग करें। बाद में हमारी जो सफेद मक्खी आती है, व्हाइट फ्लाई आती है, उसके लिए फेरोम अपने जो पीला चिपचिपा कार्ड है वो हम लगाएं। इसके लिए नीम ऑयल है, वर्टिसिलियम लकी नहीं है, एसिटिमाप्रिट, थाइमेथैक्सेम। डोंडे में एक लट आती है, वो बहुत काफी मोटी होती है लट, इसके लिए हमें फेरोमोन ट्रैप लगाना चाहिए जो खेत के 5 एकड़ में। बोवियारा बेसिना का स्प्रे करें हम लोग, उसके साथ हम बेसिलस थुरीजेनेंसिस भी मिला सकते हैं बोवियारा के साथ में, उससे काफी अच्छे परिणाम मिलते हैं। प्रोपेनोफास है, जब लक्षण दिखते हैं प्रोपेनोफास साइपरमेथ्रिन करें। क्लोरेंट्रीप्रोल क्लोरोपिरिफास इनका भी हम छिड़काव करें। बात आती है हमारी बीमारी की, इसमें भभूतिया रोग आता है क्योंकि ठंड में लगती है, इसलिए भभूतिया रोग काफी हद तक इसमें जो है नुकसान कर देता है। इसके लिए सल्फर है, फ्लुओप्यूरम है, हेक्साकोनाजोल है, कार्बनडाइजिंग मैनकोसेप का भी हम छिड़काव कर सकते हैं। डाउनी मिल्ड्यू जो है अफीम में काफी मतलब इसका बहुत तगड़ा प्रकोप इसके अंदर में होता है, इसके लिए मेटालेक्सिल, मैनकोसेप, मेटिरैम और प्रायरोक्लोस्ट्रोबिन का मिलाजुला कॉम्बिनेशन, डायमेंथोमार्फ भी बहुत अच्छा काम करता है। बैक्टीरियानाशी हम इसलिए करते हैं कि कोई भी इसके अंदर में बैक्टीरियल डिजीज पनपे ना। बात हम करते हैं कि काली मस्सी जो आती है, इसके लिए हम मेटालेक्सिल, मेटिरैम, मेटिमोमाप्राइड, बैक्टीरियानाशी का जो है हम छिड़काव करें लक्षण दिखते ही। जड़ सड़न जो होती है रूट रॉट, उसके लिए ट्राइकोडर्मा, अर्जेनियम, कार्बनडाइजिंग मैनकोसेप, थियोफेनेट, मिथाइल कॉपर, जो भी अनुशंसित की गई है इनका जो है हम इसके ऊपर हम लोग इसकी ड्रेंचिंग भी कर सकते हैं, और इसको रूट रॉट है इसके लिए इसको ड्रेंचिंग करना ज़्यादा अच्छा होगा, और हम इसको जो नोजल को खोल करके उसको ड्रेंच करें, ड्रेंचिंग करने के बाद पानी ना दें। बात हम करते हैं पोषक प्रबंधन की, इसमें जैविक खाद के रूप में हमने बताया था कि उसको उपचारित करके हम पहले डाल देते हैं। सिंगल सुपर फास्फेट, सूक्ष्म रोधक तत्व, मैग्नीशियम सल्फेट, पोटाश, साथ में इसमें माइक्रोराइजर जो है वो भी हम सुपर के साथ में दे दें, जिससे सुपर फास्फेट का फिक्सेशन नहीं हो और पूरी की पूरी मात्रा पौधे को मिल जाए। बात आती है आवश्यक बातें कुछ होती है जो पर्णिक छिड़काव है वो हमको इसमें करना चाहिए, जैसे 19-19-19 से 14-40-13 52-34 से पोटेशियम नाइट्रेट, कैल्शियम नाइट्रेट और बोरान भी जो हम इसका पर्णिक छिड़काव इसके ऊपर कर सकते हैं। और उसके अलावा हमको जो पोटेशियम सल्फेट आता है SOP जिसको बोलते हैं वो भी हम कर सकते हैं, जिसमें 17.5% सल्फर होता है जो कई क्रियाओं के अंदर में पौधे की या फसल की मदद करता है। बात हम करते हैं उन्नत सिंचाई और तकनीकी परंपरागत सिंचाई में, आने वाले समय में अनुसंधान कार्य अफीम के ऊपर हो रहे हैं, टपक सिंचाई और फव्वारा सिंचाई को लेके शायद अगले 2 साल में इसमें अनुसंधान कार्य इस पे समाप्त होंगे, फिर हमको जो है अफीम लाइन सोइंग भी किसान करना धीरे धीरे बढ़ाएंगे उसको, और ये जो है इससे ऊर्जा की बचत है, खरपतवार रोगों में कमी है, गुणवत्ता अच्छी आती है, कम श्रम लागत होती है। बात करते हैं हमको अफीम को निकालना, अफीम में जब डोडे तैयार हो जाते हैं तो अफीम में जो दूध निकलता है जिसको लेटेक्स में से दूध निकलता है, उसके बाद सबसे पहले हम उसको चीरा लगाते हैं, चीरा शाम के समय लगाया जाता है, दिन में नहीं लगाया जाता। उसके बाद चीरा जो है जो तेज हथियार वाला होता है उससे कराना चाहिए, लेकिन उससे कोई दूसरा नुकसान हो ये ध्यान रहे। चीरा लगने के बाद दूध निकलना प्रारंभ हो जाता है, जो हम जिस चीरा लगाते हैं उसको हम जो होता है उसको हम अच्छी तरह से ऐसा कर लें कि वो कोई बीमारी को घर न दे। उसके बाद डोड़े पर जम जाता है, इसका रंग गुलाबी होता है। सुबह जो है अफीम को डोड़े से इकट्ठा कर लेना चाहिए, अफीम को साफ और स्वच्छ रखना चाहिए। बात आती है बीज उपज की, प्रति 5 आरी के अंदर में जो दूध का जो उत्पादन आता है वो 4 किलो आता है, बीज का जो उत्पादन आता है वो 50 किलो और डोड़े चूरे का जो उत्पादन आता है वो 30 किलो प्रति 5 आरी में आता है।
अब बात आती है हमारी अफीम फसल की, जो आर्थिक समीक्षा हमने की है। ये भूमि की तैयारी, बीज बुआई की लागत, निंदाई गुड़ाई, खाद उर्वरक, पौध संरक्षण, विविध गतिविधियां, कटाई, थ्रेशिंग, कटाई छटाई, परिवहन, इन सबको अगर मिलाएंगे तो 26,500 रुपये प्रति 5 आरी में आता है। अगर हम इसमें दूसरे खर्चे जोड़ते हैं और भी अतिरिक्त खर्चे रहते हैं जोड़ देंगे तो 29,150 रुपये आती है। अगर हम इसकी आय की बात करें तो 5 आरी से अफीम का जो दूध होता है 1,500 रुपये प्रति किलोग्राम, अफीम की दूध 4 किलोग्राम प्रति आरी, और अगर हम इसमें गुणा करेंगे इसका तो 6,000 रुपये। 5 आरी से कुल अफीम दूध की आय 6,000 रुपये। अगर हम देखते हैं कि बीज जो होता है वो 2,000 रुपये किलो से बिकता है, 50 किलो प्रति 5 आरी इसका उत्पादन आता है। अगर हम इसको 50 से गुणा करते हैं तो ये बीज ही बीज से किसान 1,00,000 रुपये कमा सकता है। अगर हम देखें कि डोड़ा चूरा जो होता है उससे किसान को 5 आरी से कुल डोड़े चूरे से 24,000 रुपये की आय होती है। अगर हम इसका सबका एक साथ हम इसको ले लें, सबको एक साथ जोड़ दें, तो हम अगर दूध से आय जोड़ेंगे उसके बाद जूस और बीज का जो डोड़े चूरे से जोड़ेंगे तो 1,21,000 रुपये। खर्चा अगर हम 29,150 रुपये से घटा देते हैं तो देखिए आप 91,850 रुपये किसान की शुद्ध आय है अफीम से। अब जो फार्म मोबाइल एप्लीकेशन है इसके बारे में बताना चाहूँगा। मेरे जितने वेंडरों से हमारे किसान भाई जुड़े हैं उनसे मेरा निवेदन है वेंडरों से कि वो किसान भाई को उनको जो हम बार कोड भेजते हैं तो सीधे डाउनलोड करा सकते हैं इसको, और इसमें हम 70 फसलों की जानकारी, जो फसल हम बताते हैं वो फसलों की सारी जानकारी भी आपको इस मोबाइल एप्लीकेशन से मिलेगी। अगर आप उसको प्ले स्टोर में जाएंगे तो आराम से डाउनलोड हो जाएगा। इससे आपको मौसम के पूर्वानुमान की जानकारी मिलेगी, उसके बाद में आपको मंडी भाव से अपडेट मिलेंगे, मिट्टी परीक्षण के आधार पर हमको कितना पीएच है, ऑर्गेनिक कार्बन है, उस सबकी जानकारी मिलेगी। व्यक्तिगत सलाह भी हम आपको देते रहेंगे और उसका हम आंकलन भी करते हैं कि क्या हमने जो सलाह दी वो सही है कि गलत है। पहले मैं अपनी वाणी को विराम दे दूं, उसके पहले मैं कहना चाहूंगा कि हमारे किसान भाई अभी इसको जाके फेसबुक और इंस्टाग्राम से भी सीधे जुड़ सकते हैं और ये सारी तकनीकी वहां पर देख सकते हैं। तो इसके साथ ही मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।